नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज ज्ञान चैनल। और एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने यूएन नंबर पर मतलब अपने पीएफ पर अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं, तो दोस्तों पहले क्या था, अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते थे तो आपको नॉर्मली अपने यूएन लॉगिन करना होता था, मैनेज वाले ऑप्शन जाकर केवाईसी पर अपना आधार को लिंक कर लेते थे और आपका एम्प्लाई 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका आधार कार्ड को लिंक के अपलोड कर देते था। मगर दोस्तों अब ये प्रोसेस बदल चुकी है। अब एक नया गाइडलाइन आई थी कुछ टाइम पहले, जिसके अकॉर्डिंग अगर अपने पीएफ अकाउंट से आधार लिंक नहीं है तो आपके खाते में पीएफ अकाउंट का अमाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो उसके आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो सेपरेट जानकारी है। इसलिए मैं इस वीडियो में जानकारी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि अपने पीएफ अकाउंट से आप अपना आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं पूरी प्रक्रिया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एक और रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों नॉर्मली यहां सर्च करेंगे यहां पे अपना यूएन लॉगिन। फ्रेंड्स आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा मेंबर होम, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे फ्रेंड्स हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अपने फ़ोन को, अगर फोन यूज कर रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में इनेबल कर लेंगे, जिससे आपका फ़ोन एक डेस्कटॉप साइड मोड में एक्टिव हो जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा यूएन नंबर, सेकंड आपको पासवर्ड, यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना होगा, यहाँ पर साइन इन करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप अपना लॉगिन करते हैं तो आपको सामने एक पॉपअप आ जाएगा यहाँ लिख के कि आधार इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट यूएन, काइंडली सीड आधार थ्रू एम्प्लॉयर। तो दोस्तों इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको विशेष वीडियो स्किप नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनना है कि यही वो मेथड होगा जिसके द्वारा आप अपने आधार कार्ड को अपने यूएन नंबर से लिंक करेंगे। और इसका मतलब क्या है हिंदी में बता देता हूँ कि यूएन पर आधार उपलब्ध नहीं है, कृपया नियोक्ता के माध्यम से आधार की सीड करें। मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका जो यूएन नंबर है, आपका पीएफ है, इससे आपको कोई भी आधार लिंक नहीं है। अब आधार लिंक नहीं है तो आप ये कैसे लगाएंगे? अब ये क्या है, आपकी प्रोसेस बदल चुकी है। आप अपने खुद के द्वारा आप अपना आधार को लॉगिन नहीं कर सकते। जब तक आपके यूएन नंबर पर कोई भी आधार लगा नहीं होगा तब तक अपना लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने पीएफ अकाउंट से अपना आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे तो उसके लिए विशेष ध्यान रखना है। आप आधार की केवाईसी आपको किसी भी बाहरी बंदे से नहीं करवानी है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी के एचआर के द्वारा करवाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, अपना आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड लिंक कर देगा बंदा, वो आपका कंपनी का एचआर या आपका कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके बाद ही आपका ये लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों विशेष ध्यान यहाँ रखना है, आप क्या करते हैं, हम जल्दी के चक्कर में 100-200 रुपये दिए किसी के लिए, बाहरी बंदे से आपने अगर आधार की केवाईसी करवा लेंगे तो दोस्तों आप बाहर से किसी से भी अपना आधार लगवा लेते हैं तो आपको 5-10 मिनट में लगा तो देगा यूएन अकाउंट, आपका पीएफ अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप इसमें से 1 रुपये भी नहीं निकाल पाएंगे, आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत से लोगों की फ्रेंड्स की प्रॉब्लम आ रही है कि उनके अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं उनके लिए तो मैंने पहली वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, उनकी प्रोसेस बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका यूएन अकाउंट, आपका पीएफ अकाउंट भी डिसेबल ना हो तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के एचआर से ही अपना आधार कार्ड को लिंक करवाना है, वरना आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, आप फिर उनकी ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, इस प्रकार की आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।